Salli ala nabiyyina, salli ala muhammadin, salli ala shafiyyina, salli ala muhammadin, salli ala shafiyyina, salli ala muhammadin. और जो पढ़े ये दम बदम दूर उसके रंजो गम, और जो पढ़े ये दम बदम दूर उसके रंजो गम, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे सलामी भैन भ्राओ, जो तुम कहते हो बाबा जी कोई ऐसा अमल सानू दस दो जिदना रूहानी में तरक्की हो, पावर बढ़े और रूहानियत जोर ना अगे बढ़े। जो दोस्तों मैं तुम दसदा ये इको चीज़ है, अपने अपने पीर खाने का शजरा शरीफ पढ़िया करो। शजरा शरीफ पढ़ना जरा ना इतना बहुत तेज़ रूहानी तरक्की होंगी है, और बजुर्गों ने जिन्हें अपने सिलसिले बजुर्गों सारे तवज्जो हो जाती इंसान के उत्ते, अपने सिलसिले जिन्हें बजुर्ग होंगे ने नबी पाक तो लग के अपने पीर जिक्र जो बंदा सुबह टाइम उन पढ़ता है तो फिर कोई ना कोई बुजुर्ग तो ऐसा हो सकता जो उस टाइम बिल्कुल जाग रहा हों, वो आके तुहाडी रूहानी में ऐसी तरक्की करता है। तुसी फिर पढ़ो तो फिर तुम फिर अंदाजा होएगा रूहानी कैसी तरक्की होंगी शजरे शरीफ न। शजरा शरीफ ऐसी पावरवाली चीज़ तुम दस, बहुत ही पावरवाली चीज़ है। चार सिलसिले नक्शबंदी कादरी सोरवंदी चिश्ती, जेड़ा भी तुम सिलसिले का शजरा लगता है तुम वह लैके पढ़ो, अपने सिलसिला पढ़ोगे तो क्या ही बात है, ठीक है। और तुम एक बार शजरा पढ़ के सुनाना वा जो साडा है नक्शबंद सिलसिले का, तुम सुना जिन्हों ए पढ़ना ए पढ़ लिया, जो अपने सिलसिला पढ़ना वो पढ़ सकता है। तो मेरे दोस्तों इनू सुबह की नमाज तो बाद एक दफ़ा पढ़ना करना, जो एक दफ़ा पढ़ेगा हर दवा कबूल होती है ये और रूहानियत तरक्की तरक्की हो जाती, ठीक है। लो मैं तुम पढ़ के सुना पहले शजरा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या उमीमल फजल जाते बापा के वासे, रहम करना मुझ पर ख़तमुल अंबिया के वासे, शफ़ियल मुजलिमी रहमत लिल आलमीन, सबे अलीम ना कुवत दुआ के वासे, होता मस्किन को या रब तर के मसवा, हजरत सदीक अकबर जुल अता के वासे, फारसी सलेमान कासिम जाफिर सादिक इमाम, बा यज़ीबुल हसन जुल्त किया के वासे, निक नफ्से सरकत बद की से रखना मुझे, बू अली और यूसुफ साहब सफ़ा के वासे, और ख्वाजा अब्दुल हक ख्वाजा रुपे हक ख्वाजा महमूद अजीज़ुल हक किया के वासे, जानिया हज़रत रामी इब्न आल मखमल शाह जोदो सुहाब के वासे, हज़रत बाबा समासी ख्वाजा मीर कुलाल और बहाउद्दीन मीर ख्वाजा के वासे, ख्वाजा अकबर बहर यानी शाह नक्शबंद नूर चश्मो शहीद करबला के वासे, इश्क अपने में तरक्की बख्श मुझको रब्बन अशकूब चरखी बरिया के वासे, दिन ब दिन या इलाही तहद रबता पीर से, ख्वाजा बैदुल्लाह माँ के वास्ते, ख्वाजा जाय मोहम्मद ख्वाजा दुरेश वली ख्वाजा अमकंगी मोहम्मद मुक्तदा के वास्ते, हजरत बाकी बिल्ला ख्वाजा हिम्मत बुलंद और मुजद्दद अफसानी बादशाह के वास्ते, जवादुल अज़मों के दर्जे पर हुए नायब नब यानी श्री शाह किशर के शाह के वास्ते, आज से हिस्सो हवा को सरद कर दिल से मेरे ख्वाजा मसूम तारक मासवा के वास्ते, जुमला दशवारी वारी हशर की आसान हजरतुल्ला जुबैर उलिया के वास्ते, शुक्र लाखों के हर चार कईयों में जमा पीर बख्शिया खुदा सुबह नवा के वास्ते, यानी फरोकी वसर हिंदी चारो वो से हक कान फजान की खलर खुदा के वास्ते, दौलत सब्र व कायनात हो नात कादरा ख्वाजा कुतुबुद नहतरत किया के वास्ते, ऐ खुदा तेरी रजा की इल्तजा रखता हूँ मैं शाह जमालुल्लाह साहब रजा के वास्ते, ये दिल मुर्दा जिंदा ये शाह कोनो मकान सही ईसा चो शाफिस्तमा के वास्ते, बाहे बाबा जी वली लोजो फैजुल्ला शाह मोहम्मद पारसा के वास्ते, किबला आलम नाकाब है दुनिया दिन वाले तेरा जुम्मन रोजा के वास्ते, यानी हजला लियाजा शालीम कम शाहबाज उजुर्फा बाफा के वास्ते, जिनका असली नाम फ़कीर मोहम्मद और हाजी गलबी मर्द खुदा के वास्ते, सुरखरु दो जहाँ यारब हुए मेरे नसीब माल के मुल यकीदा अदा के वास्ते, हाफ कुरान फतद्दीन अली मुकाम दौलत उकबा मिलसोलिया के वास्ते, खिजरा सुल्तान मौली मोहम्मद हुसैन से दी रख दिखा सुरहनुमा के वास्ते,
फैज बूटा शाह से हासिल हुआ कुरबेला फजल करसुम जोदो साहब के वास्ते अल्लाह अल्लाह पीर कामिल रहनुमाए गुमर रहम कर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा के वास्ते अल्लाह अल्लाह पीर कामिल रहनुमाए गुमर रहम कर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा के वास्ते अल्लाह अल्लाह पीर कामिल रहनुमाए गुमर रहम कर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा के वास्ते। लो मेरे दोस्तों ए गए नक्शबंद सिलसिले का साडा शजरा शरीफ ए जो एंड दे में पढ़िया ए मेरे पीर साहब का ना है ठीक है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा कुदसी रहमतुल्लाह अलैह दा जो अपने पीर का ना आए उन्होंने तीन दफा पढ़ो सुबह की नमाज पढ़ के दोस्तों बचियो उस तो बाद कुरान जो पढ़ पढ़ो के जो है एक दफा तुम शजरा शरीफ पढ़ के अल्लाह के दुआ करनी है तो फिर तुम देखो तुम बुजुर्गों की ताड़े कैसे अनायत होएगी बुजुर्गों नबी पाक तो लैके अपने पीर तक शजरा शरीफ पढ़ोगे बुजुर्गों का ना आएगा फिर देखो तुम पढ़ोगे तो फिर तुम्हें अंदाजा होना है शजरा शरीफ कितनी पावर हैगी अंदाजा एक दफा पढ़ो हर रोज जे तीन दफा पढ़ सो तीन दफा पढ़ो तो ताड़े जो रूहानियत की इन्नी ताकत वधेगी तुहानू एक बार अंदाजा होएगा रूहानियत कहंदे किहनूं नूं। लो फिर दोस्तों इस वीडियो में सबसक्राइब भी करो लाइक करो शेयर भी करो और सुबह की नमाज पढ़ के इनू तुसी पढ़ना है एक दफा शजरा शरीफ और जिन्हें भी कोई इस्तगारा कराना हो अपना अपनी वालदा नाँ जरूर दस्या करो तुम अपना नाँ दस कर बाबा इस्तगारा करा कर दो इस तरह बच्चे इस तरह इस्तगारा देने तुम अपना नाँ अपनी वालदा नाँ दसना है। लो फिर अस्सलामु अलैकुम इस वीडियो सबसक्राइब जरूर करो।